हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश और एक्स्ट्रा टाइम। जैसे कि हम रोज की तरह हम आईपीएल का जो वेरियस फ्रेंचाइज है उनको लेके हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टीम का विषय है वो है गुजरात टाइटंस, अनदर न्यूबीज ऑफ आईपीएल 2020। चंद्रेश, फर्स्ट अप गुजरात टाइटन्स, हार्दिक पांड्या, तो कैसे देखते हो इस टीम को? हार्दिक पांड्या, रिद्धिमान साहा को कैसे बोल सकते हैं आप जो उस टीम में है? आप जो बाकी जो आशीष नेहरा है हेड कोच, उनको कैसे बोल सकते हैं? गैरी कर्स्टन, उनको कैसे बोल सकते हैं? शुभमन गिल पर नजर सबकी होगी। मुंबई में मैच हो रहा है तो मुंबई की बहुत ज्यादा नजरें होंगी उन पर। और राशिद खान, लेग स्पिनर जो अफगानिस्तान के हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग खिलाड़ी हैं इस लाइनअप में। प्रदीप सांगवान है, राहुल तेवतिया है, विजय शंकर है, जयंत यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी और नूर अहमद है जो अफगानिस्तान के, वरुण एरन है, तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। पर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये जो टीम है, आई थिंक उन्होंने ज्यादा मतलब सोच के नहीं टीम को इकट्ठा किया है। आपको पता ही होगा कि ऑक्शन के दूसरे दिन शाम को 7:30 बजे उन्होंने एक विकेट कीपर खरीदा, पहले वृद्धिमान साहा और उसके बाद जो है मैथ्यू वेड। तो अब ऐसे हो गया है कि या तो आप मैथ्यू वेड को खिलाओगे तो फिर आपकी जो टीम है कमजोर हो जाएगी, और अगर आप वृद्धिमान साहा को खिलाएंगे तो आपको एक कम ओवरसीज बल्लेबाज को खिलाना पड़ेगा, तो आप फंस गए हो उस चक्कर में। इस टीम का ये है बैलेंस, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम और मुझे दिक्कत नजर आ रही है इस टीम के साथ कि हार्दिक पांड्या जो गेंदबाजी नहीं करते हैं, 4-5 महीने से क्रिकेट नहीं खेला, वो किस फॉर्म में है, क्या वो मैच फिट है, किसी को कुछ नहीं पता। उन्हें एक खुली छूट मिली है अपने चीज करने के लिए, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम विद दिस लाइनअप। बटन चंद्र साहब, एक नाम भूल रहे हो, रामनुल्ला गुरबाज, जिनको कुछ दिन पहले एज ए रिप्लेसमेंट लिया गया है। आई थिंक ही वुड बी, आई डू रेकन दैट इज गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन एट द टॉप, क्योंकि वो ओपनिंग बल्लेबाज भी कर सकते हैं, इज अ विकेट कीपर एज वेल। मगर जो आपने पॉइंट रेस किया, द बैलेंस ऑफ द साइड, किन चार फॉरेन प्लेयर्स को आप देखते हो मोस्ट लाइकली वुड मेक इट टू द प्लेइंग 11? ऑब्वियसली राशिद खान इज डेफिनेटली अ सर्टेनिटी, इसके अलावा राशिद खान, मैं देख रहा हूँ लॉकी फर्ग्यूसन दो हो गए, ये दोनों तो डेफिनेटली होंगे। देन यू हैव डेविड मिलर को भी होना पड़ेगा। फिर आपको चौथे के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या आप अलजारी जोसेफ को मौका देंगे, तो क्या आप नूर अहमद को मौका दोगे, या आप क्योंकि पिच जो है अलजारी जोसेफ क्योंकि मुंबई के लिए पहले खेल चुके हैं तो मुंबई के पिच से वाकिफ हैं, तो क्या आप अलजारी जोसेफ से गेंदबाजी करवाएंगे? शुरुआत में आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की जरूरत होगी, बाद में आपको अतिरिक्त स्पिनर की जरूरत होगी, तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आपको करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि वो जो चौथा जो फॉरेन प्लेयर है वो आई थिंक इट विल कीप चेंजिंग फॉर देम, इट कुड बी गुरबाज, इट कुड बी अहमद, इट कुड बी अलजारी जोसेफ, इस तरह से वो रोटेट करते रह सकते हैं। I think that therein lies the weak link in this side. बिल्कुल, और मैं और एक नाम भूल गया, डोमिनिक ड्रेक्स भी वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर, लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर है, पर क्या आपको इतने ऑलराउंडर चाहिए जब खुद कप्तान है, फिर विजय शंकर है, तो आपके पास वो सेम बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन है काफी। आई थिंक वीकनेस यही है, और मैंने जैसे कहा, नॉट मच थॉट वॉज पुट इन टू पुटिंग दिस साइड टूगेदर इन माई व्यू, एंड आई थिंक दैट इट कम्स थ्रू इन द where the squad has been assembled right now. Right. Chandresh, talking about the strength of the Gujarat Titans, what do you reckon? What is their strength going into the IPL 2022? I think strength jo hai, wo hai, I think the unknown quantity hai. Matlab, khiladi to wohi hai jo baaki teams ke liye khel chuke hai pehle. Par ek saath jab aate hai, ek naye tournament mein, ek naye format mein, तो वो किस तरह से होता है, क्या होगा, क्या मतलब व्हाट इज इट दैट दे कैन ऑफर, ये हमें पता नहीं है।
एक नया फ्रेंचाइज है, नई सोच है, नई ऊर्जा है, तो क्या है ऐसा जो वो लेके आएंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक दैट ये फैक्टर उनके लिए बहुत काम आएगा इस टूर्नामेंट। राइट राइट चंद्रेश, और एक प्लेयर जिनके बारे में डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी चर्चा का विषय रहा वो है अभिनव सदरंगिनी, कर्नाटका की तरफ से खेलते हैं और हमने देखा कि कितने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। तो ऑब्वियसली एवरी सीजन यू फाइंड फ्यू यंग प्लेयर्स, यंग गन्स हु बस्ट इनटू द सीन। तो क्या अभिनव के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि हाउ गुड अ बाय इज ही? आई थिंक इज अ वेरी गुड बाय, अभिनव मनोहर है नाम उनका, और मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया उन्होंने पिक किया उनको। आई थिंक उसके लिए उनको पूरा पूरा श्रेय जाता है, उनके जो टैलेंट स्काउट है, और बहुत बढ़िया उन्होंने पिक किया। और मेरे ख्याल से उन्होंने हाल ही में कर्नाटका के लिए भी सैयद मुश्ताक अली में बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, और तो आई थिंक दैट हर लिहाज से देखा जाए तो ये एक टूर्नामेंट जो है जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, इट इज अबाउट दी अननोन, और इट इज अबाउट दी इंडियन प्लेयर। उस लिहाज से देखा जाए तो गुजरात टाइटन्स ने सही पिक किया इनको, पर वो अभिनव के लिए नहीं, बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके उसके लिए भी ये फिट बैठता है ये जो है। तो आई थिंक दैट गुजरात टाइटन्स दिस विल बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू सी हाउ दीस काइंड ऑफ यंग अननोन प्लेयर्स प्ले फॉर देम इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। साई किशोर है उनके साथ, यश दयाल जिनके बारे में बहुत सुनेंगे हम आने वाले दिनों में, मैंने सुना है कि इंडिया के सेलेक्टर्स का भी नजर है यश दयाल पर, लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है, उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं, उन पर सेलेक्टर्स की नजर है, इंडियन टीम मैनेजमेंट की नजर है, तो उन पर भी मेरी नजर होगी इस टूर्नामेंट में। वरुण आयरन को मैं देखना चाहता हूँ, क्या वो उसी पेस से बॉलिंग कर रहे हैं अभी भी जिस पेस से वो पहले करते थे, ये सब बातें दिलचस्प होगी इस टूर्नामेंट के बारे में। टॉकिंग अबाउट द वीक लिंक इन दिस गुजरात टाइटंस साइड, मोहम्मद शमी के साथ जो बैकअप है, उनके जो फास्ट बॉलिंग बैकअप है, हालांकि उनके पास जरूर लॉकी फर्गुसन जैसे बॉलर है, मगर मोहम्मद शमी अकेला एक जो पेस बॉलिंग स्पेयर करेगा, मगर जो बैकअप ऑप्शन है क्या लगता है ऑन दैट साइड दे विल फेस सम वीकनेस? मोहम्मद शमी भी आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट T20 क्रिकेट एंड मोहम्मद शमी, वो काफी रन के लिए गए हैं T20 क्रिकेट में, तो आई थिंक दैट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट मोहम्मद शमी इन T20 फॉर्मेट, तो आई थिंक दैट्स अ वीक लिंक, या बॉलिंग इज अ वीक लिंक, pace bowling especially is a weak link in my view. They've got some very good young bowlers, Yash Dayal ho gaya, aur baki jo all rounder hai, aur Pradeep Sangwan ke paas experience hai, to I'm not so sure about their pace bowling. Spin bowling mein obviously Rashid Khan wo 4 over dal ke bacha lenge unko, par kya wo kafi hoga ye dekhna bahut zaruri hai. Obviously ek player ke bare mein humne charcha nahi kiya, obviously we are almost towards end of this discussion, Rahul Tewatia, obviously he burst in pichle do season kafi charcha ka vishay raha with his all round ability, to Rahul Tewatia ka aap kaise dekh rahe ho, halanki he did made it to the Indian side, but aise to nahi ki jo ek do season wonder hai aise nahi rahega, because kafi sare he was brought by 9 crores, तो काफी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा राहुल तिवाटिया के ऊपर भी। बिल्कुल, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और उन्हें बड़े देख के खेलना होगा इस सीजन में, और बताना होगा कि उनमें दमखम है कि वो इस सीजन में भी रन बनाए और एक छाप छोड़े अपना, और मेरी नजर होगी उन पर क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनमें वो बात है और उनको दिखाना है कि वो इस लेवल पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे, वो बताएगा कि वो किस हद तक जाएंगे इस साल के टूर्नामेंट में। मुझे लग रहा है कि राहुल तेवाटिया के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल। Obviously, how do you see the Gujarat Titans going at, can they go a distance in this tournament? Can they make it to the playoffs? Going to be difficult. मुझे लग रहा है कि बहुत difficult होगा उनके लिए। टीम बनाने में उन्होंने ज्यादा सोच नहीं लगाई है, और आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ से दिस काइंड ऑफ अप्रोच टू पुटिंग टुगेदर अ टीम। मुझे लग रहा है कि अगर और सोच लगाते और मेहनत करते तो शायद बेहतर होता, तो मेरे ख्याल से वो एक कमी है इस टीम में।
थैंक यू चंद्रेश। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑन गुजरात टाइटन्स। जैसे कि चंद्रेश ने कहा कि ही डजंट बिलीव दैट गुजरात टाइटन्स कैन मेक इट टू द प्लेऑफ, बट इट्स टू अर्ली, लेट्स सी बिकॉज कैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा, कैसे वो प्रदर्शन करता है, हाउ दे पुट अप द प्लेइंग 11, कितना हाउ द फॉरेनर्स प्ले, काफी सारे इक्वेशंस रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द सक्सेस ऑफ अ फ्रेंचाइज। तो हम यही उम्मीद कर सकते कि दी गुजरात टाइटन्स पुट अप एन इम्प्रेसिव शो इन द फर्स्ट सीजन ऑफ आईपीएल। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ा रहिए, क्योंकि हमारा जो रेगुलर जो डिस्कशन है, स्वॉट एनालिसिस है ऑन द आईपीएल फ्रेंचाइज, ऐसे ही जारी रहेगा आगे और भी टीम्स को लेके। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, और जाते जाते एक बार फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ हमारे जो दर्शक है, हमारे जो फॉलोअर्स है, प्लीज कीप सपोर्टिंग अस एज यू हैव ऑलवेज डन बोथ द चैनल्स, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश और एक्स्ट्रा टाइम को, और क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। और अंटिल देन, गुड बाय।